मणिपुर के पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट हमले में बुजुर्ग की मौत, 5 घायल। जी हाँ, मणिपुर के बिशनपुर जिले में उग्रवादियों ने एक आवासीय क्षेत्र में रॉकेट से हमला किया। हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मेयर बराम कोयरिंग के आवासीय परिसर में रॉकेट गिरा। हमले के समय पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई सदस्य घर में मौजूद नहीं था। एक अधिकारी ने बताया कि जिस समय बम विस्फोट हुआ उस समय बुजुर्ग परिसर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान की तैयारियां कर रहे थे। उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। विस्फोट से 13 साल की एक लड़की समेत 5 अन्य घायल हो गए। रॉकेट INA मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर गिरा था। अब पुलिस ने बताया कि रॉकेट की रेंज 3 किलोमीटर से ज्यादा होने का अनुमान है। राज्य में हाल ही में ड्रोन एवं बंदूक से हुए हमले के विरोध में इंफाल घाटी के 5 जिलों के हजारों लोगों ने शुक्रवार को मानव श्रृंखला रैली में भाग लिया। हमलों में 2 लोगों की मौत हुई, 12 अन्य घायल हो गए। गुरुवार रात 100 मीटर से भी कम ऊंचाई पर कई ड्रोन मंडराते देखे जाने के बाद सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर स्थित कुबी गांव में तनाव बढ़ गया। ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल 100 न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे।